और अब सबको नुमाइंदगी देंगे यहाँ पे किताब करने के लिए, लेकिन मेरी तमाम जो बुकर अरीन हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपनी तकरीर को 3 मिनट के अंदर रखें ताकि उसमें किताब कर सकेंगे। मैं कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी आजिज जमाली हूँ। गठन करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए और मजलूम आवाम पर फलस्तीनियों के जो बमबारी हो रही है उस बमबारी को मजम्मत करने, उस बर्बरियत और उस जारियत मुजाहरे की कॉल दी गई है। इस मुजाहरे में जितने भी साथी शरीक हैं, जितनी भी तंजीमों के दोस्त शरीक, उन्होंने भी हमें इस मुजाहरे में शमूलियत अख्तियार कर लिए है, हम उनको भी वेलकम करते हैं। और हम जाहिर है कि दुनिया भर के मजलूमों के जहाँ भी मुतालबात हैं हम उनकी हिमायत करते हैं। आपकी जदोजहद में खवातीन का बड़ा किरदार रहा है और ये जो खवातीन की तंजीमें हैं ये इस जदोजहद में हमारे साथ रही हैं। तो मैं ज़रा हमेशा से इस जदोजहद में शामिल हैं और रहेंगे उनके साथ, उनकी फलस्तीनियों की जो है वो हुकूक की जो है वो आवाज़ ग्रहण करते रहेंगे जब तक उनको हुकूक ना मिल जाए। तेज़ हो, तेज़ हो, तेज़ हो, तेज़ हो, साफ़ इतिहाद, साफ़ इतिहाद, साफ़ इतिहाद, साफ़ी मजदूर इतिहाद। अर्ज़ करूँगा कि वो अपने ख्याल का इजहार करें और फलस्तीनी आवाम के साथ अपनी यकजहती का इजहार करें। मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानिब से ये मुजाहरा है पाकिस्तान प्रदेश यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की अपील पर कई देश की मेज़बानी कर रही है। मैं आज हम यहाँ इसराइल की मजम्मत और फलस्तीनियों से जारी खेती के लिए जमा हुए हैं। को चोट लगने पर भी कस्बे भाव आकर के अपनी आँखें सुझा लेते हैं, क्या उनको ये सारे मजालिम नज़र नहीं आ रहे हैं? और उनको ये मजालिम इसलिए नज़र नहीं आ रहे हैं तो उन्हें मालूम है कि वो जिन लोगों के खिलाफ ये काम कर रहे हैं वो इतने कमज़ोर हैं। परस्तों की मरम्मत करने के साथ साथ अपने लोगों की भी मरम्मत करना ज़रूरी समझता हूँ कि जो सिर्फ ज़बानी ख्याल का इजहार करेंगे। इस वक्त बैतुल जर्राह के अतराफ के मुजाहिबती मुसलमानों को वहाँ से खाली कराने के लिए अदालती फैसले का सहारा भी लिया गया है। पाकिस्तान के साथ ही कल से और परसों से सड़कों पर इस हवाले से और पाकिस्तान के आवाम को इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इसराइली रियासत एक गुंडा दहशतगर्द बदमाश रियासत है जिसने वहाँ के फलस्तीन के मजलूम मेहनत कशों को और मजलूम फलस्तीनियों की जिंदगी को दोबर कर दिया है। एक तरफ तो ये गुंडागर्दी जारी है और दूसरी तरफ जो चोरों का बोर्ची खाना है जिसको लेनिन ने नेशन ऑफ लीग जो है जो उसकी बदली हुई शक्ल अकवामे मुत्तहिदा है उसको चोरों का बावर्ची खाना कहा था, वो चोरों के बावर्ची खाने के सारे मेम्बरान अपने उस किरदार को निभा रहे हैं जिस किरदार के का जिक्र लेनिन ने उस दौर के लीग ऑफ नेशन के हवाले से किया था।
अगर हम में से किसी को इस बात की उम्मीद है कि ये सारे सरबराहान मुमलकत और सरबराहान हुकूमत फलस्तीन के मसले को गुफ्तगू के जरिए हल करवाएंगे तो ये हमारी खाम ख्याली होगी। सबसे पहले फलस्तीन के मेहनत कशों को, दुनिया भर के मेहनत कशों को और बिलखसूस इसराइल के मेहनत कशों को, जो इसराइल के हुज्जा रियासत के खुद शिकार है, उन सबको मुतहद होकर जदोजहद करनी पड़ेगी। यही एक वाइज तरीका है और कोई तरीका नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया।